First day of first year and last day of first year. And now it's time for first day of second year at IIT Kharagpur. ये पलकों में कुछ बातें हैं तेरे बिना लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी, तो फिर हम दो दोस्त एक ही साइकिल पे सवार जिसमें कैरियर भी नहीं थी निकल लेते हैं खाने की खोज में। तो बीच रास्ते पर ही मुझे साइकिल से उतरना पड़ा क्योंकि साइकिल में ब्रेक ही नहीं थी। और उस दिन मेरा दिन ही ख़राब था क्योंकि यहाँ मेस में अभी तक लंच ही स्टार्ट नहीं हुई थी और खाली पेट चल चल कर मेरा हालत ख़राब हो चुका था। दो घंटे बाद हम वापस मेस में जाते हैं और इस बार हमें खाना मिल जाता है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इस हॉल का खाना और हमारे पुराने हॉल में जो खाना मिलता था उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन मुझे अब फिर से चलकर जाना था अपने पुराने हॉल जहाँ से लेनी थी मुझे अपनी साइकिल। और इस सामने वाली बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर के जो सेकेंड लास्ट वाली रूम की बालकनी दिख रही है उसी रूम पे मैं रहता था। साइकिल लेने के बाद मैं सीधा सोने चले जाता हूँ लेकिन सो नहीं पाता और वीडियो एडिट करते करते शाम के 5 बज जाते हैं और फिर से भूख लग जाती है। और इसी भूख को मिटाने के लिए हम लोग निकल लेते हैं दुकान की ओर, लेकिन वहाँ पहुँच कर पता चला कि दुकान तो बंद है। तो फिर हम वापस रूम में आकर अपना काम करने के बाद हम दो दोस्त निकल लेते हैं जिम खाना की ओर क्योंकि हमें लेनी थी जिम की फॉर्म। लेकिन वह दिन इतना ख़राब था कि हमें वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ तो जिम ही बंद है। उसके बाद मैं वापस जब रूम जा ही रहा होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे जेब में तो पैसे ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं इधर उधर ढूंढता हूँ मगर पैसे कहीं नहीं मिलते। अब रात के 8 बज चुके थे और शाम को स्नैक्स ना करने के कारण भूख भी लग रही थी। तो मैं निराश मन लेकर अपने दोस्त के साथ उस हॉल में खाने के लिए निकल लेता हूँ, ये सोच कर कि नया नया हॉल है तो खाना भी अच्छा होगा। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। मगर पहले हॉल ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो गई थी। इतना अच्छा हॉल देखकर जहाँ हर रूम में एसी हो और ढेर सारी फैसिलिटीज़ हो मज़ा आ गया। और मज़े मज़े में खाना लेकर ये सोच कर कि खाना भी हॉल की तरह मस्त होगा, खाना शुरू ही करता हूँ कि पता चलता है कि यह हॉल दिखने में जितना मस्त है उतना ही बेकार इसका खाना है। खाना खाने के बाद मैं अपने मुँह का टेस्ट सही करने के लिए आइसक्रीम लेता हूँ और बारिश में भीगते हुए वापस अपने रूम आ जाता हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल, सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।